जिस तरह मैंने बात की थी कि हमने पहनना तो है, लेकिन कौन सी बॉडी टाइप ने किस तरह का पहनना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग मतलब बहुत से ऐसे मैंने देखा है कि थोड़ी सी जो बल्कि ख्वातीन होती हैं वो इस तरह के कपड़े पहन लेती हैं, वो और ज़्यादा बल्कि लगना शुरू हो जाती है। तो उनको क्या बताएंगी आप, वो इस ईद पर किस तरह कैरी करें और ये किस बड़ा तरह जो है का ना, पूरी एक साइंस कलर है। मैं पहने। आपको हाँ मजे की बात बताऊं कि सिर्फ आपकी बॉडी टाइप नहीं मैटर करती, आपकी स्किन टोन भी बहुत स्किन मैटर टोन भी। कर रही है। अच्छा ठीक अभी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बड़ी एक साइंस की बात है कि अगर तो आप बल्कि हैं तो फिर आप डार्कर कलर्स पे जाएं, ठीक है। अब उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो आप थोड़ा पैटर्न्स की तरफ आ जाएं। पैटर्न्स में आपकी ब्रॉड लाइंस हो सकती हैं, ब्रॉड पोलका डॉट्स हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका बैलेंस हो जाएगा, अच्छा ठीक है। इसी तरह अगर आपका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत ज़्यादा डार्क है और आप जो हैं वो थोड़े हैवी साइड पे हैं, तो अब आप देखें आपने भी उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है। उसके हाँ लिए आपके जो पैटर्न्स हैं ना वो बारीक होने चाहिए। अच्छा तो ये अब आपने बैलेंस करना है। अगर आप हैवी हैं तो फिर आपको डार्कर कलर्स पहनने हैं, अगर आप बहुत गोरे चट्टे हैं तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा मैच मिक्स कर गई, मिक्स कर गई है। हाँ, हाँ कोई क्योंकि बात वो नहीं, बहुत कोई सारी बात नहीं। चीज़ें इकट्ठी हो हाँ जाती हैं। हाँ अच्छा, बल्कि लोग डार्कर कलर्स में ठीक है। जाएंगे और जो और स्किनी है थोड़े स्किनी है वो से थोड़े लाइट कलर्स में जाएंगे, बट पैटर्न्स के साथ पैटर्न। आपने प्ले करना है, अच्छा ठीक है। डिजाइनिंग के साथ आपने प्ले करना है। अगर आप हैवी हैं तो फिर आपको थोड़े बारीक पैटर्न्स पहनने, बहुत बारीक भी नहीं होने चाहिए अच्छा कि ओके। आपकी बिल्कुल ही बैलेंस आउट हो जाए पर्सनैलिटी का। तो इसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है तो फिर आपके पैटर्न थोड़े मोटे होने मोटे चाहिए। होने चाहिए।